यार आज अपना लास्ट डे है और इसका मुंह अभी से बन गया। हनी ये माइक से डर रही है, बट माइक से बहुत डरती है। सो गाइस आज अपना लास्ट डे है कोलकाता में। सो हेलो सो मॉर्निंग शेकअप, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में, वो भी लास्ट ब्लॉग ऑफ वेस्ट बंगाल सीरीज। तो यार आज अपन निकल रहे हैं, रात की हम लोग की ट्रेन है सतना के लिए डायरेक्ट। इस बार डायरेक्ट ट्रेन मिली है, कटनी वटनी की नहीं मिली। हम लोग 11:45 को ट्रेन है और हम लोग फिर नेक्स्ट डे पहुँचेंगे। पता नहीं कब मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अभी अपन आए हैं कौन सी मार्केट, शायद ये वही वाली चोर बाजार वाली मार्केट है जो उस दिन लास्ट गए थे ना अपन, उसका अपने ब्लॉग देख लिया होगा। तो अभी देखते हैं, मैं टी शर्ट्स वगैरह देखता हूँ, टी शर्ट्स वगैरह मेरे को कुछ खरीदनी है, लेट्स सी मिलती है कि नहीं। और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मैं अगर मेरे को कुछ टॉयस वगैरह मिल जाए, हेलीकॉप्टर वगैरह लेना था ना, देखते हैं। चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। रैबिट कितना, एक मिनट का, एक मिनट का, और ये बर्ड कितने का है? 400 का जोड़ा और 450 का जोड़ा। अपन अभी मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, मैंने कुछ जीन्स लिया आपको चलो दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेरा ट्रेन से सामान चोरी हो गया था, वो सारा सामान मैंने इस शॉप से लिया था यार। बस आप मेरी वीडियो वाली देख लो, बाकी सामान तो चला ही गया है। और भैया क्या हाल चाल, आपका नाम? आपका शेख मनोहर। आपका? जुगनू भाई। तो यार काफी बढ़िया लोग हैं, इनने मेरे को मस्त जीन्स वगैरह दिखाई, हमने चार ले लिए। और भी आप कुछ दिखा दीजिए आइटम भाइयों जो आए। ये प्रिंट में टी शर्ट है, ये सही है, ये प्रिंट मेसिंग में सही है। आप क्या किस रेट से चालू होती है, कहाँ से कहाँ तक ये बता दीजिए। 150 से स्टार्ट है, 150 से चालू है, सही है। अच्छा हाँ टी शर्ट और जीन्स जी आपका 600 से स्टार्ट है। अच्छा सही है, उसका दाम है सही है। और आपकी दुकान का नंबर है 43। तो अगर आप कभी भी इस मार्केट में, फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में 43 नंबर में आना, यहाँ से ये भैया लोग है सब मस्त आपको दिखा देंगे, है ना, सही ना। और जो भी आएगा रेट सही लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू भैया। तो यार शॉपिंग वगैरह हो गई डन, काफ़ी बढ़िया लोग थे। मैंने चार जीन्स लिए, और कभी भी आप यहाँ पे आते हो इस मार्केट में आ जाना यहाँ पे। चलो अपन निकलते हैं यहाँ मार्केट से बाहर, और यहाँ पे शीशा मस्त है, यहाँ फोटो वगैरह खिंचवा सकते हो। हाँ दीदी ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी लिया है, यहाँ पे एक ही शॉप है, तो आप वहाँ पे भी जाके स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेना। वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ मैं पानी पी रहा था। तो भाई ये देखो ऐसी मार्केट, हाँ बट 850 की मिली है। क्या हो गया, अच्छी कॉस्ट्यूम है। ये देखो ये शॉप है यार यहाँ पे। अभी अपन निकल रहे हैं क्योंकि अपने को 17 भी निकलना है। और अभी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, काफ़ी बढ़िया है। और हम लोग को एक छोटी सी बैड न्यूज़ मिली है, पॉलिटिकल से रिलेटेड है। आई डोंट थिंक मैं इसको कैमरे के सामने बोलूँगा, मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो आप समझ लो कुछ ऐसा सीन है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो भाई अब अपन आ गए घर, क्योंकि यार बताऊँ क्या सीन है, आज अपन और घूमने वाले थे, मॉल वगैरह जाने वाले थे, बट अभी कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई है कोलकाता में। समझने वाले समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मेरा चैनल एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। अपन ब्लॉग्स में जितना खुशी बांट सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं वो करते हैं, बाकी कंट्रोवर्सीज अपन नहीं बात करेंगे, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे। तो देखो मैं सामान लेके आ गया हूँ, अब अपन चलते हैं, हनी से मिलता है पूरा दिन, हनी के साथ एंजॉय करते हैं। हनी हनी Two hours later. तो यार अभी अराउंड शाम के बज गए 5, मैं आराम कर लिया, वीडियो अपलोड कर दी, बट अभी एक दिक्कत ये हो गई, मैं अपनी जो जीन्स लाया था ट्राई किया, ये थोड़ी छोटी हो गई, मैं थोड़ी टाइट हो गई। तो मैं चार लिया था, दो जीन्स सही आ गई, दो जीन्स मतलब टाइट हो रही हैं और फिट नहीं आ रही हैं। तो अभी अपन भैया से बात कर ली, उनका नंबर भी ले लिया था, तो उनने बोला कि आ जाओ चेंज कर लेते हैं। तो अभी 5 बज गए हैं, चलो देखते हैं क्या है मार्केट का सीन, फिर से वही मार्केट जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ अभी टॉय अपन ले ही लें, मेरा हेलीकॉप्टर लेने का बहुत मन है, या हेलीकॉप्टर ना मिले तो मॉन्स्टर ट्रक। चलो चलते हैं जल्दी से मार्केट, अभी अपनी कार, चलो चलते हैं। तो भाई ये अपन टॉयज देख रहे हैं, हाँ भैया बताइए। मतलब ट्रांसफार्मर रोबोट है, जल्दी जल्दी गाड़ी बनेगा, रोबोट बन जाएगा, सही है। चार्जेबल है, रिमोट सिस्टम, रिमोट से गाड़ी बनेगा, रिमोट से रोबोट बनेगा, सही है। क्या प्राइस होगा भैया इसका? प्राइस पड़ेगा आपको भैया 1350 रुपये का। 1350 का, 360 डिग्री रोटेट करता है। अच्छा ये
आरसी वाला है, लाइट होगा, म्यूजिक होगा, सब सही बनेगा, गाड़ी चलेगा पूरा। अच्छा तो ये देखो इतने सारे इनके पास टॉयज हैं। मेरे को यार ये पसंद आई है, मॉन्स्टर ट्रक रॉक, देखते हैं इसका क्या सीन है। हेलीकॉप्टर भी है, भैया हेलीकॉप्टर क्या बताया था भैया? ये वाला हेलीकॉप्टर पड़ेगा 600 रुपये का। अच्छा, 600 रुपये का, उससे थोड़ा अच्छा क्वालिटी में आएगा, स्काइप इसका। हाँ ठीक है ना, ये वाला आपको पड़ेगा 750 रुपीज़ का। अच्छा, आपके सेंसर सुविधा प्लस रिमोट सुविधा, चार्जेबल चार्ज करेंगे यूज कर। अच्छा सही है, ये देख लो भाई, ये आपको आएगा UFO ड्रोन। ड्रोन ये हाथ की सेंसर उड़ता है, मतलब इसको लाइक आप बॉल की तरह खेल सकते हैं, बॉल से अच्छा से कर सकते हैं। ये वाला आएगा ड्रोन, आएगा मेटल का चार्जेबल रिमोट कंट्रोल। ये क्या प्राइस है? ये आपको पड़ेगा 2100 रुपये का। 2100 जी। ये वाला लीजिएगा, आपको पड़ेगा भैया 750 रुपये। अच्छा ये देख लो भाई, क्या करना है जू और है। अच्छा बड़ा है जी, ये दोनों देखिए सेम है। अच्छा कलर अलग है जी, सही है, बट कलर अलग है, डिफरेंट कलर है, बट वो अभी ज़्यादा चल रहा है। अच्छा जी सही है भैया, हम लोग को दूसरी शॉप पे ले आए, यहाँ काफ़ी सारा सामान रखा है। ये वाला कलेक्शन देखिए सर, ये आपको फुल मेटल बॉडी है, वो जैसा वो भी मेटल बॉडी है, पर ये भी मेटल बॉडी है, पर ये का थोड़ा डिफरेंट टाइप में आएगा। ये आपको फुल मतलब सॉकर लगा हुआ है, चाहो सॉकर लगा हुआ, ये आपको फुल गोल्डन में आएगा। ठीक है, अच्छा। चार्जेबल रिमोट कंट्रोल, बहुत बढ़िया हमारा रॉक रॉलर, ये ओरिजिनल रॉक रॉलर है भैया। अच्छा ओरिजिनल है जी, थोड़ा सा ज़्यादा रेंज होगा। ठीक है, ये देख लो भाई, ये डायनासोर भी रिमोट कंट्रोल है क्या? जी वो डायनासोर भी रिमोट कंट्रोल है, वो पर वाला है। अच्छा, वो आपको चार्जेबल आएगा, रिमोट कंट्रोल आएगा। ठीक है, रिमोट से वो पर वैसा करके हिलेगा और पूरा म्यूजिक होगा, लाइट होगा। अच्छा, उसका छोटा पीस भी है मेरे पास डायनासोर में, अगर देख रहे हैं ये छोटा पीस। ये चला के दिखा दे रहे ताकि आप भी सही है भाई, ऐसे ही वो बड़ा होगा। वो बड़ा होगा उसमें, लेकिन पर है इसमें, पर नहीं। अच्छा पर नहीं है जी, और वो क्या है रिमोट से चलता है ये, जैसे कि बैटरी। अच्छा है तो बैटरी वाला, ये तो बच्चों के लिए सही होगा जी, ये बच्चों के लिए सही होगा, वो बड़ों के लिए सही होगा। सही है, ये रहे हेलीकॉप्टर। तो ये भैया टेस्टिंग कर रहे हैं, अरे 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 जगह तो नहीं कर सकते है ना, कुछ कितना ऊपर तक जाते हैं? तकरीबन 2 फ्लोर तक जाएगा, बस इसको एक दफा ऑफ करके अनब्रेकेबल जगह नहीं, हम लोग उतना नहीं कर सकते, अनब्रेकेबल हम लोग करने के लिए जगह। सो एंड फाइनली हो गई है टॉय शॉपिंग डन, हम लोग ने 2 गाड़ियाँ ली और एक मैंने गन ली है, वो आपको घर चल के दिखाते हैं, काफ़ी सही प्राइस में मिल गया, तो आप ये मार्केट में आओ तो ले लेना। भाई राइड आ गई है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही है, कोई नहीं चलो चलते हैं। यहाँ से हम लोग ने मस्त स्नैक्स वगैरह खाया, काफ़ी मज़ा आया यार। चलो निकलते हैं अब सीधा घर के लिए। भाई ये देखो, ये था मॉल, ऑल दो अभी बारिश हो रही है, अपन तो कैब में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार। गंदी बारिश हो रही है यार, क्योंकि हम लोग को ट्रैवल करना है। क्या लग रही है? बारिश गंदी, बट अच्छा है, ठंडा हो गया वैसे, है ना? सही है। तो गाइस अभी अराउंड 10 बज रहे, अपन आ गए स्टेशन, घर निकलेंगे वापस। घर देखो कितनी सादी भीड़ है स्टेशन में, काफ़ी सारे लोग हैं। चिड़िया तो अपनी ट्रेन 12 बजे, अभी 10:15 और 17 हो रहे हैं। तो यार अपन ट्रेन में फाइनली बैठ गए हैं और अभी तो चलेगी नहीं ट्रेन, 12 बजे का डिपार्चर नहीं, 11:45 का डिपार्चर है। तो मैं चिकन नगेट्स खा रहा हूँ, ताई जी ने पैक कर दिया था, अब देखते हैं अपन कब तक पहुँचेंगे। शायद दीदी कब तक पहुँचेंगे? दोपहर तक, फाइव अभी शाम 6 बज जाएंगे, लेट भी हो सकती है, देखते हैं, आपको तो अपडेट कर ही देंगे।